मेरा नाम शिव शर्मा है, मैं लखनऊ का निवासी हूं और मैंने लखनऊ में जो पार्थ इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड है उनका एक प्रोजेक्ट है पार्थ आद्यांत, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल पास में है। उसमें 2014 में मैंने एक 3 BHK फ्लैट बुक कराया था। तो इस फ्लैट को बुक मैंने इसलिए कराया था कि मुझे 3 BHK फ्लैट अपने लिए, अपने परिवार के लिए रहने के लिए चाहिए था। जब मैंने फ्लैट बुक कराया था उसमें बिल्डर ने एग्रीमेंट, बिल्डर वायर एग्रीमेंट के माध्यम से मुझे बताया कि ये फ्लैट 30 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। इनकी जो कंस्ट्रक्शन डेट शुरू हुई थी वो हुई थी 2013 में, तो 2013 से अगर हम ऐड कर लेते हैं तो इनका कंस्ट्रक्शन का जो कम्प्लीशन डेट था वो था 2016 में ये फ्लैट का पोजीशन नहीं दे पाए। 2016 से वेट करते 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 17 हो गया, 18 हो गया। उस दौरान उत्तर प्रदेश में रेरा रेगुलेटर एस्टेब्लिश हो चुका था, तो मैं बार बार इनके यहां जाने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया अब मेरी सुनवाई बिल्डर नहीं कर रहा है, तो मैं रेरा मानी रेरा कोर्ट में गया जहां पर मैंने अपना केस पूरा फाइल किया और सारे दस्तावेज उनको दिखाए कैसे मैंने पेमेंट किया, क्या किया। जो ऑर्डर रेरा ने पास किया था मेरे फेवर में, उस ऑर्डर के अनुसार बिल्डर को जून 2019 तक CC अचीव करने के बाद पोजीशन ऑफर करना था और 2016 से लेके एक्चुअल पोजीशन की डेट तक मुझे डिलेड इंटरेस्ट ऑफ दी प्रॉपर्टी देना था, जो कि SBI की MCLR प्लस 1% के हिसाब से कैलकुलेट होना था। अभी तक जो मैंने कैलकुलेट किया था जनवरी 2020 तक मेरा जो इनके ऊपर इस विलंब प्रतिकर जुड़ चुका था करीब 23 लाख रुपए जुड़ चुका था, जो अब जनवरी से लेके अब जुलाई चल रहा है तो 7 महीने और जोड़ लीजिए तो मोटा मोटी 26-27 लाख रुपए का इनके ऊपर में विलंब प्रतिकर भी ऐड हो गया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे जो ऑर्डर हुआ है रेरा कोर्ट से जिसमें कि डिलेड इंटरेस्ट विद पोजीशन है, तो अगर बिल्डर पोजीशन देने में असमर्थ है तो मैंने जो अपना पैसा धन 70 लाख रुपए जो वहां जमा किया था प्लस विलंब प्रतिकर जो करीब 30 लाख रुपए बनता है वो मुझे मिल जाता है, तो मैं अपने आप को इस प्रोजेक्ट से हटने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं।